नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की। बिहार विधानसभा के चुनाव कब होंगे? सबके मन में जिज्ञासा है, कौतूहल है। वो इस वजह से है कि आज पूरी दुनिया, पूरा देश और पूरा बिहार कोरोना की महामारी से पीड़ित है, और ऐसी स्थिति में बिहार का विधानसभा चुनाव ये पहला चुनाव होगा जो देश के सामने होगा और भारत में होगा। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो प्रावधान है उसके हिसाब से प्रत्येक 5 वर्ष पर विधानसभा हो या लोकसभा या किसी भी प्रकार का निर्वाचन का कार्य संपन्न होता है। 2015 में पिछली बार विधानसभा के चुनाव बिहार में हुए थे। 2020 आ गया है, यानी कि बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीखें नजदीक हैं। अगले महीने में कभी भी चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर तारीखों का ऐलान कर सकता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा बयान आया है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी विधायकों की संख्या के लिहाज से राष्ट्रीय जनता दल के सर्वमान्य नेता तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव ने खुले तौर पर कहा कि जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी देश दुनिया के साथ बिहार में हैं, वैसे में चुनाव कराना अभी सही नहीं होगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अभी चुनाव कराने का सही वक्त नहीं है। तेजस्वी ने ऐसा क्यों कहा? तेजस्वी यादव ने इसलिए इस बात को कहा क्योंकि कोरोना महामारी के संकट से बिहार पीड़ित है और बिहार में इन दिनों लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोगों को बिहार में चुनाव कराने की इतनी हड़बड़ी क्यों है। तेजस्वी यादव के सवाल गंभीर है कि आखिर क्यों कुछ लोगों को चुनाव कराने की इतनी जल्दबाजी है, क्योंकि अभी तो समय कोरोना से लड़ने का है, न कि चुनावी तैयारियों का। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने बिहार में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर भी निशाना साधा कि इस दौर में ये लोग सरकार में हैं और कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया गया, लाखों लोगों की रोजी रोटी चली गई, रोजगार की समस्या उत्पन्न है उनके सामने और भोजन तक के लाले पड़े हुए हैं। वैसी स्थिति में जब सरकार को उनकी रोजी रोटी और रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी, तो ये सब चीजें छोड़कर, अपने दायित्वों को छोड़कर बिहार की जो सरकारी पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो वर्चुअल रैलियां कर रही हैं। तो तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद से अब एक बात तो तय हो गया है कि चुनाव आयोग को बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर कुछ नया सोचना पड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की सलाह को चुनाव आयोग भी खारिज नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी चुनाव को संपन्न कराने से पहले एक सर्वदलीय बैठक जरूर होती है, बिहार में भी हुई है। तो जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ने निर्वाचन आयोग को अपने पक्ष से अवगत करा दिया होगा। हालांकि चुनाव कब होंगे, किन तारीखों पर होंगे, ये सर्वाधिकार निर्वाचन आयोग को ही होता है, लेकिन निर्वाचन आयोग इसके लिए राजनीतिक दलों की सलाह जरूर लेता है और उनकी सलाह पर अमल भी करता है। तो अब देखना है कि तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद निर्वाचन आयोग कब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है और किस प्रकार से बिहार में विधानसभा के चुनाव इस बार होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच ये पहला मौका बिहार विधानसभा चुनाव ही होगा जब नए तरीके की चीजें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिहार वासियों और देशवासियों को देखने को मिलेगा।